अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फहीम और आज मैं आपको बकरों की लाइफ स्टाइल के बारे में आपको वीडियो शेयर करने वाला हूं। सुबह के बज गए हैं 8 और मैं अब बकरों को फ़िलहाल दाना देने के लिए उसको तैयार कर रहा हूं। जो भी उसमें थोड़ा बहुत मट्टी वगैरह या किंकड़ वगैरह आ जाती हैं उसको देखता हूँ मैं थोड़ा अच्छी तरह मेंटेनेंस करके। तो आज मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगा कैसे कैसे मैं सुबह मॉर्निंग का उनको डाइट देता हूँ। तो लास्ट तक बने रहें इस वीडियो ब्लॉग में, ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू कर दें साथियों। अब की बार फिलहाल जो मैंने जो जौ लिया था वो काफ़ी ख़राब होने की वजह से जो है इसमें मिट्टी वगैरह कंकड़ वगैरह आ गए थे। तो मैं चलने की छानने की मदद से उसको अच्छी तरह पहले छान लेता हूँ और फिर मैं आपको बकरों को, क्योंकि इसमें जो भी कंकड़ या बारीक कण होंगे वो निकल जाएंगे, इस चीज़ का आप स्पेसिफिक ध्यान रखें। और साथ ही बकरे हमने फिलहाल खोल दिए हैं, जब ये बंधे हुए थे सुबह 8 से 9 बजे के, 8:30 बजे के समथिंग हमने बकरे खोल दिए। अब ये सारे बकरे हम और हमारी बकरी है फिलहाल जो इनके बच्चों की माँ है और साथ में वो भी खाएगी। और जितना हो सके बकरी थोड़ी साथी ज़्यादा खाती हैं बकरों की अकॉर्डिंग, क्योंकि बकरियों की भूख ज़्यादा होती है और बकरे कम खाते हैं, तो इसलिए बड़े बड़े फार्म वाले जो होते हैं वो बकरी कम रखते हैं या उनका जो फीड सिस्टम है थोड़ा अलग होता है, उनको बकरियों को अलग खिलाते हैं और बकरों को अलग खिलाते हैं, क्योंकि बकरे काफ़ी देर में खा पाते हैं और कम खाते हैं, तो इसकी वजह से बकरी उनका दाना खा जाती है। कभी कभी बकरियों को अपच का शिकार भी होना पड़ सकता है। और कुछ देर के बाद हमने थोड़ी मक्का इसमें ऐड करता हूँ मैं। हफ्ते में साथियों सिर्फ मक्का मैं 2 बार देता हूँ, लगातार कंटिन्यू आप मक्का ना दें, क्योंकि ये कैल्कुलाई बनाने की यानी बकरों की पेशाब की बनने का खतरा रहता है, कैल्कुलाई बन सकती है, खतरा रह सकता है। तो इसलिए हफ्ते में मैं सिर्फ 2 बार ही इसको मक्का डालता हूँ और अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है पहले, जो कोई बकरा ज़्यादा ना खा पाए। तो इस तरह से आप बकरों को मक्का जो है लगभग हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपको सिर्फ 1 या 2 बार ही खिलाएं, इससे काफ़ी ये होगा कि बकरी को कभी भी स्टोन नहीं बनेंगी। और हमारी पिछले साल अभी जो कुर्बानी की बकरों की मक्का बची हुई थी तो मैं उसको ही अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं मक्का बकरों को इतना अच्छा नहीं खिलाता, हालांकि फैट के लिए काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। और फाइनली बकरों ने ये दाना खा चुके हैं, लगभग 8 से 1.5 घंटे में ये बकरे दाना बिल्कुल चट कर चुके हैं। अब आपने एक मेन चीज़ जो मेंटेनेंस करनी है, साथ में आपको सुबह मॉर्निंग में ताज़ा पानी ऐड करना है, बच्चों को ताज़ा पानी रखना है। तो फाइनली साथियों 8 बज चुके हैं और मैं अभी लेके जा रहा हूँ बच्चा। जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह मॉर्निंग का 8 बजे और ये ढेंचा है और फिलहाल मेरे हमारे खेतों में इसको हम सुबह ही थोड़ा काट लेते हैं और 1-1.5 घंटे के बाद दाना फीड देने के बाद हम इसको खिलाते हैं। चलिए इस तरह से हमारे बकरे जो लगभग इंतजार इस तरह से हमें दे देना है। हमने जब दाना दे दिया है तो 8 से 1.5 घंटे के बाद हमने इनको ढेंचा खिलाया है, देख सकते हैं आप। ये हमारे 3 अभी फिलहाल बकरे हैं, एक ऑपरेशन का बकरा है जिसका नाम है चंद्रा, ये भूरा है जिसमें सफ़ेद चांद पर ज़्यादा बड़ा टीका है और वो कालिया है, वो बिल्कुल काला सुन्नी, और ये बच्चों की माँ है इधर को देख सकते हैं आप। तो ये मेरे अभी फ़िलहाल 3 बकरे हैं और मैं सोच रहा हूँ अभी जल्दी मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगा जो मंडी से मैं एक बकरा लेने जाऊँगा और मेरी ख्वाहिश है कि बकरा या तो बीटल नस्ल का लाऊँगा या सिरोही या गुजरी, 3 टाइप का नस्ल कोई भी नस्ल का मिल जाए बकरा काफ़ी अच्छा होता है। ये साथियों इस तरह का ढांचा होता है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो साथियों आज का व्लॉग में आपको इतना ही और रोज़ मैं व्लॉग बनाऊँगा आपको सिर्फ।